Okay, so Nandini has just arrived from Delhi. I have picked her. Now we are going to go to a hostel, dormitory. No, I'm kidding. So Nandini, how was your experience? Kaisa raha aapka? Great. So as soon as I landed, it was snowing and it was amazing. I was assuming that it is going to be a lot more colder, but I'm liking it already. Nandini ka suitcase. सिर्फ चार पांच दिनों के लिए कोई ऐसी लड़की दिखा दो जो बिना हैवी सूटकेस के ना जाती चलिए we have reached our hotel and this is our room this is going to be our room for the next 3 days 4 days 4 days yeah okay and I think this is the sitting area living area this is the bedroom looks it's nice it's all good बट हमें सिटी व्यू मिला है बस हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम शिमला चले जाएंगे ओह दे हैव गिवन अस सम जिंजरब्रेड कुकीज बिकॉज़ ऑफ क्रिसमस यस नाइस नाइस यस हैप्पी न्यू ईयर सर अब 7-8 दिन हॉस्टल में रहने के बाद ये जो अच्छा लग रहा है तो अभी नंदनी का आए हुए कुछ चंद घंटे हुए हैं आप देख सकते हैं तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क और अभी आप देख सकते हैं कि मौसम आज खुला हुआ तो नहीं है लेकिन बादल हैं लेकिन फिर भी अच्छा है आप ये देखिए पीछे स्नो क्लीन कर रहे हैं यहाँ पर ये रात ही रात में इतना स्नोफॉल हुआ है ये देखिए इट लुक्स प्रिटी वंडरफुल बड़ी बड़ी सड़कें और कुछ बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं काफी सुंदर है अंदर चलते हैं जितनी देर खड़े रहेंगे ठंड ज़्यादा लगेगी चलते रहेंगे तो बॉडी हीट प्रोड्यूस होती रहेगी जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हर किसी ने कैप पहनी हुई है पर मैं नंदनी से कह रहा हूँ कि फैशन अपनी जगह है पर कैप पहनने में कोई नुकसान नहीं है आपने क्या आप सबने वो ऐड देखा है बेटा सिस्टर पहनो तो वही हो रहा है अंकित के साथ तो बेटा स्वेटर पहनो नंदनी ने फिर से अपनी कैप उतार दी है पर ये वाकई बहुत सुंदर है आप देख सकते हैं सब कुछ इतना इतना स्नो है कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक दिखाई कुछ नहीं दे रहा है देखिए अमेजिंग राइट ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चल के फर्क सिर्फ इतना है वो स्प्रिंग्स में है और ये कवर्ड इन स्नो और ये तो बिल्कुल ही अनदर लेवल है तो बस थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ अगर यहाँ आया जाए तो सर्दियों का भी अपना अलग ही चार्म है वैसे तो हमने अभी कुछ देर पहले ब्रेकफास्ट किया था हाँ। कि ब्रेकफास्ट बुफे हम कैसे छोड़ सकते हैं बीइंग एन इंडियन लेकिन इतनी सर्दी की वजह से शायद मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है और पता नहीं क्यों हर थोड़ी देर में मुझे भूख लग गई अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना कंट्रोल मैं आपको कैसे करूँ हर समय खाने का मन कर रहा है और अभी मन कर रहा है बिल्कुल स्पाइसी गरम और स्पाइसी खाना खाने का सो आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी ऑर्डर्ड बर्गर हियर एंड वी हैव गॉट ग्लव्स अलोंग विद द बर्गर एक बार तो मैं समझ में नहीं आया कि ये रखा क्या हुआ है बट आप बर्गर खाते हैं हैंड्स मेस्ड अप होते हैं So this is the first time I have ever seen कि खाने के साथ में आपको gloves भी दिए जा रहे हैं। So हम होटल रमाना के स्विमिंग पूल में हैं। ये एक heated swimming pool है। हम लोग अभी स्विमिंग करने आए हुए हैं। अभी रात के बजे 7:30। और देखिए कितना beautiful shape है। अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए निकलने में हम एक्चुअली रोज ही लेट हो रहे हैं निकलने में
अगर आपको शहर घूमना है तो थोड़ा टाइम से निकलना चाहिए, बट अभी हमें एक और चीज़ है कि ऊबर की सर्विस यहाँ बहुत अच्छी है, कार्स बहुत अच्छी हैं, तो हमने अभी तक लोकल ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर नहीं किया है। एक और चीज़ है, एवरीवेयर एल्स ईट इंडिया या US आपको फ़ोन करके एक बार ड्राइवर से बात करनी पड़ती है, बट यहाँ पर ड्राइवर जो है वो आपकी वेट करता है लोकेशन पे अराइव करके। बट अगर आप थोड़ा लेट चल रहे हैं तो ड्राइवर इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग इन वन प्लेस वो थोड़ा घूमता रहता है, आपको ढूंढता रहता है, एंड एट टाइम्स दैट गेट्स ट्रिकी। अभी हम कोप टोबे टावर जा रहे हैं, जो यहाँ किसी हिल पे है और वहाँ से पूरे अलमाती का व्यू आता है। इट्स अ टेलीविजन टावर, लेट्स सी हाउ इज इट एंड वन ऑफ द मोस्ट सीनिक प्लेसेस इन अलमाती। आप टॉप 10 में देखेंगे अलमाती के। तो एक हम रेजिडेंशियल पार्क कवर कर चुके हैं, सेकंड आज हम कोप टोबे टावर जाने वाले हैं। अब हम कोप टोबे टावर के लिए एक केबल कार ले रहे हैं। ये केबल कार आपको टॉप पे लेके जाती है। हम केबल कार में बैठ चुके हैं, वो सामने जो टावर दिख रहा है दैट इज टेलीविजन टावर, और इस हिल को ये कोप टोबे हिल बोलते हैं। ये अलमाती का सबसे ऊंचा हिल है और आप हमारे पीछे व्यू देखिए, view down is even more beautiful. Yes. The backyards are covered with snow. It looks lovely. This is always sundar. Har taraf se sundar hai. Har taraf se sundar hai. 360 degree view hai iska. Aur niche jitne ghar hai sabke saath acha khasa backyard hai jo ki pura covered hai snow mein, aur bahut amazing lag raha hai. Hum pahunch gaye hain. यहाँ अपसाइड हाउस भी है। अब हम रोलर कोस्टर के रेट पे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। व्हाटएवर। You ski from the high slopes. यार स्कीज में मतलब आप जब चाहो तब रुक तो सकते हो। गिरने पे तो कंट्रोल नहीं है ना? वो तो यहाँ पर भी नहीं है। Exactly. So this is restaurant Abe, and this is at Kop Tobe Tower, and this is an expensive restaurant. So यहाँ बहुत कम लोग आए हैं, मगर इसकी location amazing है। एम्बियंस अमेजिंग है। अभी यहाँ देख रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी फैंसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लग रहा है, तो यहाँ पे अभी जितने भी टूरिस्ट बाहर थे उनमें से कोई भी अभी अंदर नहीं है, और इस पूरे प्लेस में हम अभी अकेले हैं। मगर आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। हम बाहर बैठना चाह रहे थे पर उन्होंने कहा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अब शैंडलियर्स देखिए इनका, ऑल अराउंड इनके लैम्प्स, इनका डेकोर अमेजिंग, और वो जो वॉल पे कुछ लिखा हुआ है इन्होंने कजाक में या जो भी रशियन में लिखा है वो भी बहुत अमेजिंग। सो नंदनी इज ट्राइंग शूटिंग 21 शॉट्स में से 5 शॉट मिले हैं टू विन एनी प्राइज। अरे वो गाइडेंस चल गई है, देखें। ओके मिस्ड वाओ, पहला शॉट लग गया है। मिस खत्म। फाइनली हाउ डू यू फील, आपका एक शॉट आया किस में से? तो हम अपने गन शॉट कर लिए, अब हम थोड़ा बैक इन सिविलाइजेशन आए हैं। रेड पे आगे नंदिनी ने कमाल कर दिया। वाओ ब्लू शॉट, ब्लू रेड क्या ब्लू, ये तो काफी अच्छा चल रहा है। काफी बहुत पावर।
बाहर से किया, ठीक है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है. ब्लैक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तीनों के तीनों शॉट टारगेट पे हैं. आई डोंट नो ये नंदनी क्या कर रही है, पर क्यों कर रही है भी नहीं समझ में आ रहा. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ठीक है, कुछ तो होगा. हम लोग शिमुलक केबल कार पे के पास पहुंच गए हैं. जैसा आप देख सकते हैं आज अच्छी धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा दिन है. हम लोग अभी शिमुलक रिजॉर्ट जा रहे हैं. आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये रहा कि मेरे और नंदनी के सारे डेबिट कार्ड और सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो गए. हमारी बैंक्स ने बिना हमसे पूछे हमारे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए. उनको लगा कि कजाकिस्तान में कोई कैसा कंट्री है, जबकि बहुत ही बढ़िया कंट्री है, सब बिल्कुल सेफ है. और हाँ, ब्लॉक कर दिए हैं और हमारे फ़ोन नंबर्स भी इनएक्टिव हैं बिकॉज हमने लोकल सिम कार्ड लिए हुए हैं. तो नहीं भी देखते हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं हम अपना अनब्लॉक करवा पाते नहीं करवा पाते हैं. तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो कैश है हमें उसी से काम करना पड़ेगा. अब हम ट्यूबिंग करने जा रहे हैं. नंदनी, हाउ आर यू फीलिंग? अब ये ट्यूब को पुश करेगा. Hey, here she comes. अभी भी नंदनी ने मुझे एक अच्छी चीज सिखाई है. वेटर की घड़ी की तारीफ कर दी कि आपकी बहुत अच्छी है. एंड वेटर इज सुपर हैप्पी. वेटर ने रोलेक्स पहनी हुई थी. तो अब हमें सर्विस हमें लगता है अच्छी मिलेगी. उसने तुरंत हमें इंग्लिश बोल दी. वेजिटेरियन पुलाव में यहाँ पे 6-7 दिन था. मुझे आज तक उसने कभी ये नहीं बोला कि आपको हम पुलाव में से बीफ निकाल दे देंगे, पर अभी उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, वेजिटेरियन पुलाव कमिंग मैम. बहुत बढ़िया, अच्छी ट्रिक है, आप लोग भी अपना सकते हैं. सो वी हैव गुलजीरा विद अस. शी इज वेरी नाइस. शी हेल्प्ड अस एंड शी हेल्प्ड अस एंड शी टोल्ड अस अबाउट ओपरा दैट वी मस्ट गो टू ओपरा. Great things to do in Almaty. Must do in Almaty. Yes. You'll enjoy it. And she's an economist. So. And you can see her, like, she's a great skier. I'm not an economist today. So Gulzira came from all the way from Shymbulak, and ski from Talgar Pass, right? Yes. Yeah. Wow. Shymbulak se local bus boat par hai wo jo yahan Uber available nahi thi magar phir bhi Uber ke 1500 ke range dikha raha tha aur yahan jo local taxi hai wo 5000 rupaye mang rahe the 5000 tenge mang rahe the to ye difference hai 1500 tenge aur 5000 tenge to us tarah is tarah ye we figured to we figured out ke bus hi lena better hai aur yahan baki log kuch bata rahe hain ki नंदनी हिम्मत करके बस में तो बैठ गई, आधे रास्ते में उतरना पड़ा. लाइक लगता है ये बस राइड नहीं कर सकती है, वेट ही करनी पड़ेगी. खड़े भी रहना पड़ा, बहुत धक्का मुक्की हो नहीं रही थी पर बहुत क्राउडेड था. ऐसे भी बहुत बस में लगी नहीं हूँ. काफी अनकंफर्टेबल हो गया था. यहाँ से हमारा होटल करीब 7 किलोमीटर है, तो हमने डिसाइड किया है कि आज भी वॉक करेंगे और शहर को देखेंगे. शहर काफी सुंदर है, मौसम भी ठीक है, ना बहुत ज्यादा ठंड है
धूप नहीं है, तो हमने कहा ठीक है। शिम्बुलक से उतरने के बाद में वहाँ तो बहुत आइसी था, यहाँ फिर भी कुछ रेस्पाइट है। ओके सो अभी नंदनी अपने जा रही है स्कीइंग के लिए। सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे प्रैक्टिस की है, अभी 2 घंटे अब सेकंड ग्रीन स्लोप पे प्रैक्टिस करेंगे। नंदनी मैजिक कारपेट पे जा रही है, शी इज नर्वस पर स्टिल शी इज डूइंग वेरी फाइन। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है। नंदनी को गिरते गिरते बचा लिया गया है, पर देखिए कई लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद काफी नुकसान पहुंचा रही है शिमला रिसॉर्ट को। ताने पड़ गए हमारा लास्ट डे है अलमाती में। हमारी फ्लाइट रात को 9 बजे के आसपास है, तो हमारे पास पूरा दिन है और हमने पूरा दिन आज रखा था अलमाती शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये कैथेड्रल देखने आए हैं। ये कैथेड्रल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ मैं आपको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कैथेड्रल बना था 1906 में और 1911 में काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिस अर्थक्वेक से इस कैथेड्रल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो लोग बिलीव करते हैं कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये हुआ, जैसे कि हम लोग भी इंडिया में बिलीव करते हैं अपने अपने रिलीजियंस को लेकर। कलरफुल है काफी, और आप देख सकते हैं आज सूरज भी निकला हुआ है तो वेदर भी अच्छा है। ऐसे में कहीं पे भी आप बाहर निकलते हैं तो इट्स वेरी नाइस। कैथेड्रल 4 बजे खुलेगा तो, और अभी बज रहे 3, तो हमारे पास 1 घंटा है। यहाँ पास में ही अलमाती का सेंट्रल पार्क है। हमने सोचा है कि आज दिन अच्छा है, धूप निकली हुई है पर थोड़ी ठंड है, पर हमने कहा चलो वॉक करते हैं और सेंट्रल पार्क घूम के आते। तो हम लोग घूमते हुए अलमाती के सेंट्रल पार्क की तरफ आ गए। ये कैथेड्रल के बहुत पास था तो हम यहाँ पे कुछ देर घूमेंगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए सेंट्रल पार्क में सब चीज़ें हैं, लेक है, अट्रैक्शन है। थोड़ा संभल के चलना पड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क पे ब्लैक आइस जमी हुई है। डायना पार्क में आ गए हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये, काफी इंटरेस्टिंग है ये, तो यूनिवर्सल जैसा कुछ इन्होंने अपना ही वर्जन बनाया है। इतना कुछ सिर्फ सेंट्रल पार्क में। हाँ
तो ये डाइनो पार्क बहुत ही अमेजिंग पार्क है, ये सेंट्रल पार्क के अंदर ही इन्होंने बनाया हुआ है और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी है। अब हमने होटल से चेकआउट कर लिया है तो हमने यहाँ पे खूब घूमा, खूब इंजॉय किया, खूब शॉपिंग की, स्कीइंग की और भी हमने ट्यूबिंग की। वी हैड अ गुड टाइम। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये ड्राइवर ने हमसे कहा मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लूँगा, तो हमने कितने एक्स्ट्रा पैसे लोगे? उसने कहा मैं 2000 तेंगे लूँगा। 2000 तेंगे होते हैं 400 रुपये। हमारा ऊबर ऐप बता रहा था 1600 तेंगे। मैंने ठीक है यार, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लगेज ही मांगता है। मतलब इतनी अनबिलीवेबल सस्ती है, एयरपोर्ट जा रहे हैं 400 रुपये, 300 रुपये वैसे ऑफिशियली होते हैं, इसने 100 रुपये एक्स्ट्रा मांगने। हमने कहा तुम ले लो 100 रुपये एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। ये अलमाती की एक बहुत ही खास बात है, आप यहाँ आओ घूमो, आप आराम से आप उबेर में घूमो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इंडिया से बहुत ज़्यादा सस्ती है। और अब ये कार देखिए कितनी बढ़िया कार है, मतलब सारी कभी मर्सिडीज आती है, कभी BMW आती है और टोयोटा कैमरी तो पता नहीं कितनी बार आई है, और वही 300 रुपये 400 रुपये। सो वी हैव अरेंटेड दिल्ली एयरपोर्ट, वी हैड गुड फन और हमें बहुत मज़ा आया। और आपको अगर ये सब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वोकेशन हम कहाँ करने जाएंगे।